हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएल मंगा लवर्स। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारे मिसिवियस को किसी ने मे बी किडनैप कर लिया था, जो कि ए हाउ था। एंड अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो बालू होता है कहता है, सिस्टर क्या हुआ। एंड ये बात सुनते जो मास्टर लीलांग रहती है, वो कहती हैं कि मैंने उसे हर जगह देखा, बट मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी हमारा जो यह चैन होता है कहता है कि लास्ट नाइट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, एंड देन उसके बाद वो वापस नहीं आया लौटे। एंड ये बात सुनते बायलू कहता है ओके ओके मैं जानता हूँ, एंड उसे रोक देता है। और तभी उसका जो गार्ड होता है, एक जो रॉयल गार्ड होता है, वो कहता है कि मैंने उन्हें किसी के साथ बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। ये बात सुनते ही हमारा जो बायलू होता है कहता है ओके ओके थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यह चुनौता सोचने लगता है सच में इनकी ना दो साइड है। एंड तभी जो गार्ड होता है वो कहता है कि ओ हाँ, वो जो पर्सन था उसका ड्रेस एक स्कॉलर जैसा था, स्माइल भी अच्छी थी और उसकी नैरो आइज थी। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो बैलू होता है कहते व्हाट, एंड वो तुरंत एक पेपर पर कुछ ड्रॉ करता है और कहता है कि ये वही था ना। एंड ये बात सुनते ही वो जो गार्ड होता है कहता है ओ हाँ, ये शायद वही था। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें प्रेयर दिखाया जाता है, जो कहता है 3 दिन का दिन अब पूरा हो चुका, आई थिंक अब यहाँ पर कोई भी चीज़ कंप्लेन फाइंड नहीं हुई है, आई थिंक सारी चीज़ें सुटेबल हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कुछ और बाकी चीज़ें रह गई हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए। एंड तो बालू कहता है क्या आप क्या बातें कर रहे हैं, आई मीन यहाँ तक हम लोग यहाँ पर बस ऐसे ही आए, आई मीन हम लोगों ने जस्ट एंटर ही किया है, और आप क्या चाहते हैं कि बिना यहाँ की तहकीकात किए हुए हम लोग यहाँ से चले जाएं। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो एम्प्लॉयर होता है कहता है कि देखिए, एम्प्लॉयर आगे कहता है देखिए, हम किसी बाहर वाले को अपने रॉयल ग्रेवार्ड में एंटर तो नहीं कर सकते, और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं, वहाँ पर कम से कम 100 सोल्जर्स होंगे, वहाँ गार्ड है, वहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आ नहीं सकता। और ये कैसे हो सकता है कि कोई बाहर का हो या फिर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता। एंड ये बात सुनते ही हमारा बालू कहता है देखिए, मैं एक और दिन का वेट करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ भी चल सकते हैं, या फिर अगर आपको हिडन गोब्लिन के बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। एब्सोल्युटली जो फेरीज है ऐसे गिव अप तो नहीं करने वाली हैं, या फिर हम लोग आप पे ही सारी चीज़ें छोड़ दें, आप बताइए क्या आप हमारे साथ नहीं देना चाहते। ये बात सुनने के बाद एम्प्लॉयर शांत हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एम्प्लॉयर किसी से बातें कर रहा होता है, एक स्मोक होता है, वो कहता है कि मेंगशु तुम अचानक से डिसअपीयर हो जाते हो, हाँ, और तुम कुछ भी कर नहीं रहे हो, और गोब्लिन का क्या है, हाँ, कैपिटल में ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, मैं सब कुछ डील कर सकता हूँ अपने से ही, लेकिन तुम्हें उससे पहले फेरी वर्ल्ड के लोगों को यहाँ से जाना देने के लिए कहना पड़ेगा। ये बात सुनते प्रियर जो होता है कहता है कि बायलू बहुत ज़्यादा एंग्री है, अगर मैंने रॉयल टॉम्ब है उसे तोड़ने से मना किया या फिर कुछ भी किया तो मैं अपने एंसेस्टर को अफेक्ट कर दूंगा, ऐसा मैंने उससे कहा है। और आप जानते हैं ना कि जो क्राउन प्रिंस का घोस्ट है वो मिसिंग है, और आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो सकता है। और ये बात सुनते हुए जो स्मोक रहता है कहता है शट अप तुम बहुत ज़्यादा बोलते जा रहे हो, और उसे क्लोज आता है और कहता है कि वेल, जो पुराने क्राउन प्रिंस का घोस्ट था वो कहाँ डिसअपीयर हो गया या फिर उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अभी इस थ्रोन पर बैठे हुए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बायलू के लोग ऐसे डिसअपीयर हो रहे हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं, लेकिन बायलू तुम्हारे लिए डिज़ास्टर ज़रूर बन सकता है, समझे तुम। एंड ये बात सुनते ही जो एम्प्लॉयर होते कि हाँ, ये मैं जानता हूँ। अब शिफ्ट होता है सीन, अब हमें फिर से एम्प्लॉयर दिखाया जाता है जो कहता है कि 3 दिन अब पास हो चुके और अभी कुछ भी कैपिटल में नहीं हुआ, प्लीज़ अब आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। एंड तभी बायलू सोचने लगता है कि 3 दिन सच में बीत गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एंड तभी एम्प्लॉयर कहता है कि आप इस बार में आप सोच लीजिए। एंड तभी एक सर्वेंट आता है, कहते हैं योर मजिस्ट्री थर्ड प्रिंस सडनली डिसअपीयर हो गया है और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर छिपे हुए हैं, प्लीज़ मजिस्ट्री एक डिसीजन लीजिए। एंड ये बात सुनते एम्प्लॉयर कहता है क्या। एंड तभी ये बात सुनते हमारा बायलू कहता है कि मे बी मॉन्स्टर जो होते हैं ना वो कुछ हमारे साथ गलत करने के लिए सोच रहे, या फिर उसे ही थर्ड प्रिंस को उन लोगों ने ही कहीं पर छिपा के रखा होगा या फिर कुछ तो किया होगा। मुझे लगता है कि मुझे उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो क्या लगता है आपको मेरी हेल्प चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तब एम्प्लॉयर कहता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है और वो यहाँ आसपास कहीं खेल रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ आप फेरी वर्ल्ड वापस लौट जाइए। एंड ये बात सुनते बायलू कहता है ओके, अगर आप चाहते कि हम लोग सच में चले जाए ठीक है, एज अ विश हम लोग चाहते हैं। और वो सोचने लगता है कि सी
देखो तो ये क्या ट्राई करने की कोशिश कर, आखिर ये चाहता क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है, अब फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ली लैंग, बाइलू, याहचैन, शाओयन और बाकी सभी लोग होते हैं। तभी वहाँ पर एक जो लेडी होती है मास्टर ली लैंग, वो कहती हैं कि ब्रदर बाइलू का जो ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, हमें अंधेरे तक यहीं पर इंतज़ार करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिलते ही हम लोग ढूंढ लेंगे क्या कि क्या हो रहा है। और तभी पीछे से हमारा जो याहचैन होता है कहता है कि आई थिंक इम्पीरियर कुछ तो जानते हैं गॉब्लिन के बारे में, या फिर कुछ तो उनका संबंध है। और तभी दूसरा कहता है कि हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सब चीज़ें थी तो उन्होंने हमें इनवाइट ही क्यों किया, हमें आने के लिए क्यों कहा। यानी बाइलू कहता है कि हमारा जो बाइलू होता है कहता है कि जो वर्ड है शुई फ्लावर फेरी के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वेल, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब हो क्या रहा है। और तभी उसे हमारा एहाव दिखता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत सारे डाउट्स है, आओ मेरे साथ आओ और क्यों ना आकर मुझसे ही पूछ लो। और उसे पीछा करने के लिए कहता है, तभी हमारा बाइलू कहता है तुम फिर से उसे पकड़ो, डेफिनेटली उसे पकड़ना चाहिए हमें, वरना हमें कुछ नहीं पता चलेगा अगर वो हमारे हाथ से चला गया तो। और ए हाउ का सभी लोग पीछा करने लगते हैं और ए हाउ तो ऐसा ही चाहता था, हमें तो ऐसा ही लगता है। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बाइलू होता है कहता है कि जो रुको, तुम भाग कर कहाँ जाना चाहते हो, रुको तुम्हें मैं जान ही नहीं दूंगा। और जो ए हाउ होता है वो स्माइल कर रहा होता है और तभी सामने से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अजीव आज तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते, आज हम तुम लोग को पकड़ कर ही रहेंगे। और हाँ, तुम ऐसे ही भागने की सोचे हो, देखो अगर तुम रिटर्न में कुछ नहीं लेकर आए ना तो तुम्हारे लिए ये डील बहुत बड़ी होने वाली है, याद रखना। एंड ये बात सुनते ए हाउ कहता है वेट ए मिनट, पीछे तो देखो कौन आ रहा है। एंड तभी हमारा बाइलू और उसकी पूरी पलटन आ रही होती है, जिसे देखकर वो जो अजीव के पीछे लगे हुए थे वो लोग कहते हैं डैम ये हेवेंस के लोग हैं, चलो यहाँ से भागते। और वो सारे लोग भाग जाते हैं, तभी बाइलू उसके सामने आ जाता है ए हाउ के और कहता है कि बोलो कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो लोग। एंड तभी अजीव कहता है कि यस करो ना, कहाँ पर होंगे। एंड तभी जो हमारा शाओयू रहता है, शाओयान, वो सामने आता है और कहता है मास्टर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी हमारा बाइलू होता है वो कहता है कि उस पर ध्यान दो, हाँ प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें कम्फर्ट करने के लिए हूँ ना लिटिल चैन, प्लीज़ मत डरो। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। एंड तभी हमारा जो बाइलू होता है पीछे टर्न होता है और उसे दिखता है कि हमारा जो शाओयान है, हमारी याहचैन जो है वो हमारे शाओयान को शांत कर रहा है। और उसे देखने के बाद हमारा बाइलू सोचने लगता है वाओ, ये बीच में आना कब छोड़ेगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है ना कि लिटिल चैन इसकी बातें सुन रहा है। एंड तभी याहचैन की बातें सुनकर हमारा शाओयान कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। एंड तभी याहचैन कहता है कि देखा मैंने कहा था ना हम लोग साथ रहेंगे। एंड तभी हमारा जो बाइलू होता है वो रोने लगता है, हमें ना अपने मन में ही रोने लगता है, सोचने लगता है लिटिल चैन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड तभी ए हाउ कहता है कि मास्टर जो सच है ना वो रॉयल कैसल के अंदर है, जाइए और उसे ढूंढ लीजिए। एंड ये बात सुनते हमारा बाइलू सोचने लगता है कि अब मुझे याद आया कि इम्पीरियर भी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे थे, लेकिन मैं समझा नहीं। एंड तभी याहचैन कहता है कि मास्टर बाइलू मैं भी आपके साथ चलूँगा। एंड ये बात सुनते बाइलू कहता है नन ऑफ द योर बिजनेस। एंड ये बात सुनने के साथ साथ हमारा जो शाओयान रहता है कहता है कि कोई बात नहीं आप दोनों साथ चले जाइए। एंड ये बात सुनते हमारा जो बाइलू होता है सोचने लगता है ये किड भी ना। एंड अब हमें मास्टर ली लैंग दिखाई जाती है जो कहती हैं कि अगर मास्टर बाइलू अगर उसे साथ लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ये आपका स्टूडेंट है तो आप इसे लेके जा सकते हैं। तभी बाइलू कहता है ओके मैं समझ गया। एंड सोचने लगता है कि लिटिल चैन ना तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें याहचैन दिखाया जाता है जो कि हमारे बाइलू के पीछे पीछे चल रहा था। वह कहता है मास्टर क्या हुआ, आप कुछ ही बात नहीं कर रहे पूरे रास्ते में, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या आप अनहैप्पी हैं। एंड ये बात सुनते हमारा जो याहचैन होता है वो और ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है कि शायद कुछ बात करेगा हमारा बाइलू। बाइलू सोचने लगता है कि हाँ मैं हैप्पी कैसे रह सकता जब तुम मुझे रास्ते पर फॉलो कर रहे हो। एंड तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है जहाँ पर आसपास के लोग कहते हैं कि हे तुमने उस बॉडी को देखा, वो पूरी तरीके से कोल्ड हो चुकी है, उसमें ज़रा भी ब्लड नहीं है। तभी दूसरा कहता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि वो 3 दिन पहले मर्डर हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और तभी दूसरा जो बंदा होता है कहता है कि ओ देखो तो उसका एंड कैसे हो गया। तभी याहचैन कहता है कि लगता है कि मास्टर फिर से रिलीज हो गया है और वो फिर से सभी लोगों की जाने ले रहा है। और तभी हमारा जो बाइलू होता है कहता है कि इमिडिएटली हमें कैसल के अंदर चलना होगा। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, ये आवाज़ इम्ब्रियर की होती है। इम्ब्रियर कहता है जूलिंग सब कुछ, सब लोग चले गए, तुमने जो कहा मैंने सब कर दिया, अब ये बताओ मेरा सन कहाँ पर है।
मुझे बताओ, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। एंड तभी हमारा बालू अंदर तरफ आता है और कहता है कि तो मैं भी तो ज़रा देखूँ अंदर की तरफ क्या छिपा हुआ है, अगर सच क्या है। हाँ, क्या हमें ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे? हाँ, और वैसे भी ये मॉन्स्टर आपके साथ ही है। और तभी वो अंदर आता है बालू और देखता है कि एक स्मोक है और कहता है कि एक मिनट, ये सब चल क्या रहा है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, और एक मिनट ये ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों है। और तभी हमारा जो इम्पीरियर होता है कहता है जूलिंग अभी के अभी जाओ। और तभी जो बालू होता है वो हमारी यह चैन के एकदम हक कर लेता है, वो उसकी चेस्ट पे आ जाता है और उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। हमारा जो बालू होता है तुरंत हमारे यह चैन से अलग होता है और कहता है तुम यहाँ पर खड़े क्यों थे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए था क्या, मेरा हाथ छोड़ो। एंड तभी हमें जूलिंग एंड इम्पीरियर दिखाया जाता है। जूलिंग कहता है कि लकीली उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनके एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, अब हमें यहाँ से भागने का अच्छा मौका मिल गया। एंड तभी हमारा जो बालू होता है कहता है यू स्टूपिड टीममेट, तुम्हारी वजह से वो लोग भाग गए। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें रॉयल टॉम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा बालू एंड याहचन इनविजिबल होकर अंदर जाते हैं। और तभी हमारे याहचन कहता है कि ये जो हिडन स्पेल है क्या ये रॉयल टॉम में भी काम करेगा इतनी स्मूथली तरीके से, मैंने सोचा नहीं था। एंड फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर हमारा बालू हमारे याचन को रुकने का इशारा करता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है मास्टर मास्टर मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, मैं बस हंगरी था तो मैंने ऐसे कर दिया। एंड ये बात सुनते ही एक जो रेड हेयर वाला रहता है जिसके एयर भी रहते हैं, ये तो डॉग जैसे ही लग रहे थे, हाँ सारे डॉग ही थे, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम सभी को कभी भी अलाउ नहीं किया कि ह्यूमन को खाने के लिए, 3 दिन हो चुके हैं लेकिन तुम लोग तो गलत ही कर रहे हो और तुम लोग मेरा प्लान बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग इतने ज़्यादा कैसे हो गए, मैंने कहा था ना कि हेवन के लोग यहाँ पर आए हैं, तुम लोग क्या मरना चाहते हो क्या, तुम लोग पागल हो गए थे, तुम्हें ह्यूमन को खाने की क्या ज़रूरत थी। अब हमारा जो बालू होता है उसे सोचने लगता है कि ये क्या। एंड तभी वो हमारे याचन से कहता है डेविल फॉक्स यहाँ पर एक मिनट, इन लोगों ने किसी को भी जान से मारने के बारे में एक भी हेजिटेट नहीं किया सच में, अब मैं भूल भी नहीं सकता। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग ह्यूमन को यहाँ पर खा रहे थे और ह्यूमन की मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो रही थी। और हमारे यह चंद तो सोचा होता है बालू इतनी ज़्यादा मेरे पास है कि मैं उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता हूँ, और वो उसकी एयर के पास आता है और कहता है कि मास्टर, और एक हैवी ब्रीज से उसकी तरफ देखने लगता है और लेने भी लगता है। और तभी हमारा जो बालू होता है उस तुरंत एक अजीब सी फीलिंग होती है और कहता है कि हे तुमने मेरे ईयर के पास आके अपनी 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 सांसें क्यों छोड़ी। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो बालू होता है कहता है मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। एंड तभी हमारा जो बालू होता है वो कहता है तुम ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। एंड तभी हमें वो जो डॉग होता है रेड जिसके हेयर थे वो कहता है कि मेरे नज़रों के सामने से दूर हट जाओ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर छुपे रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, तुम्हारा छुपना बेकार है। एंड ये बात सुनते हमारे बालू सोचना क्या हम लोग एक्सपोज हो गए। एंड ये बात सुनते याचन कहता है नहीं हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। एंड ये बात सुनते ही हमारा बालू कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब कुछ दूसरे डॉग होते हैं जो हमारे थर्ड प्रिंस को लेके आते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है यू डीमन मुझे बाहर जाने दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड जो रेड डॉग रहता है, हाँ रेड डॉग ही रहता है, वो कहता है कि यू लिटिल बॉय तुम्हें देखो तो तुम यहाँ पर बेकार में ही आ गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो तुम्हें अब रहना ही पड़ेगा ना, अब तुम हमारे हाथों में हो तो अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते हैं ना। और तभी उसे एक आवाज़ आती है, जो डॉग रहता है वो उधर देखता है जहाँ पर हमारा बालू आता है और गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुमको मैं कभी हार्म नहीं करूँगा और तुम लोग अगर बुरे इंसान नहीं होगे तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग इसलिए बने ही नहीं हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा स्मोक होता है, कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। एंड तभी हमारा जो बालू होता है तो उसको अंदर जाते हुए देखकर हमारा याचन कहता है कि रॉयल टॉम क्लोज हो रहा है, हमें बाहर जाना होगा। तभी हमारा जो बालू होता है वो थर्ड प्रिंस के पास जाता है और कहता है डोंट वरी थर्ड प्रिंस योर हाइनेस प्लीज आप हमारे साथ आइए। एंड तभी हमारा जो थर्ड प्रिंस होता है वो कहता है मास्टर फेरी क्या ये सच में सही है। एंड तभी वो देखता है बालू को और कहता है कि अगर तुम सच में फेरी हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरे ब्रदर को मेरे साथ लेके जाने में। एंड ये बात सुनते बालू कहते तुम्हारे ब्रदर क्या उसे भी इन फॉक्स ने किडनैप किया। एंड तभी वो कहता है कि ओके मैं उसे भी बचा लूँगा पर लेकिन पहले मुझे बताना होगा कि जूलिंग क्या है, उसका सच बताओ मुझे। एंड तभी थर्ड प्रिंस कहता है जूलिंग। एंड तभी कहता है ओके वो स्पिरिट जो कि हमारे रॉयल एंसेस्टर की है उसने एक बार हेल्प की थी किंग को किंग बनाने में, आई मीन जो फर्स्ट प्रिंस थे ना उनको थ्रोन से हटाने के लिए,
और इसीलिए हम उसे एक गॉड के रूप में कंसीडर करते हैं, यही बात था। तभी ये बात सुनते ही हमारा जो बालू होता है कहता है, तो तुम लोगों ने उस घोस्ट का यूज़ किया थ्रोन को चुराने के लिए। एंड ये बात सुनते ही जो थर्ड प्रिंस रहता है कहता है, अपने शब्दों पर ध्यान दो, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारा एंसेस्टर है, वो हमारे एंसेस्टर के द्वारा भेजा गया घोस्ट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ये बात सुनते हमारा बालू कहता है, ओके ओके पहले हम यहाँ से बाहर निकल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें जूलिंग का सच दिखाऊंगा और उसका चेहरा दिखाऊंगा कि आखिर वो है क्या। एंड ये बात सुनते हमारा जो यह चैन रहता है कहता है कि तुम सभी लोग मौत ही डिजर्व करते हो, तुम लोग थ्रोन चुराने के लिए किसी को भी जान से मार सकते हो, है ना। इतना कहने के साथ साथ हमारा यह चैन थर्ड प्रिंस को ग्रैब करता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। हमारा जो बालू होता है कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, यह चैन रुको। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यह चैन कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को भी इससे कनेक्ट करता है, क्योंकि यह चैन को भी उसके उस वर्ल्ड से, उस डीमन वर्ल्ड से बाहर निकलना पड़ा जस्ट बिकॉज कि वो वहाँ का प्रिंस था और उसे जान से मारने की कई बार कोशिश हुई थी और अपने आप को बचाने के लिए ही वो इस फेरी वर्ल्ड में आया था ताकि वो और पावरफुल हो सके और डीमन वर्ल्ड में वापस जा सके, और जिसके चलते हमारे यह चैन ने बहुत सारा पेन भी झेला है। सो इसलिए वो इस सिचुएशन को आसानी से नहीं ले सकता, इसलिए उसे इस थर्ड प्रिंस की बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाई और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने ऐसा मिसबिहेव। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, बस सी यू।